चलिए बेटा हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग न्यू सिलेबस 2022। मैं बेटा इसकी सारी आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जैक्ट सेम सब्जेक्ट्स आपकी ओल्ड सिलेबस में भी है और पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे की सारी मैं आपको कराऊंगा ओल्ड सिलेबस वाली, क्योंकि एग्जैक्टली सेम सब्जेक्ट है, सेम कंसेप्ट है, सब कुछ सेम है जो ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे चुका है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। और आपकी स्टडी मटेरियल जितना भी क्वेश्चंस है जो ओल्ड सिलेबस का कॉस्ट अकाउंटिंग था वो सारी की सारी मैंने सॉल्व करके यूट्यूब पे रखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो इस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से करेंगे और आपको स्टडी मटेरियल का ईच एंड एवरी क्वेश्चन अभी आप देखेंगे और आपका पास्ट ईयर की क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक एक करके सारी क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो हमें क्या स्टडी करनी है, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे है कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट का कोर्स है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया स्ट्रेटजी बॉडी अंडर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये पेपर नंबर 8 है, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें आपकी कौन कौन सी कंसेप्ट है जो आपको स्टडी करनी है। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईओक्यू एक कंसेप्ट है, उस पर हमने कितना अच्छे क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, और वह जो 6 क्वेश्चन होगा सारी की सारी आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए वह उसको कवर करेगा और आपके स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है सारे को सारे कवर करेगा, ठीक है। टाइप ऑफ स्टॉक लेवल ये एक कंसेप्ट है जो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 7 नंबर मेरी बुक में है और 8 नंबर मेरी बुक में, वह क्वेश्चन आपसे कराया जाएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टॉक आउट का आई थिंक क्वेश्चंस यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक 10 और 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे अप्रोप्रिएट सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टोर लेजर ऑन फीफो लीफो वेटेड एवरेज ये 13 नंबर है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो इनपुट आउटपुट रेशियो बैक ऑर्डर क्वांटिटी और आपके साथ ये सारी टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे जो आपका बुक में है, जो आपकी कंसेप्ट में है, जो आपकी सिलेबस में है। अब क्वेश्चन है कि आपका स्टडी मटेरियल में क्या क्या दिया हुआ है वो मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपके स्टडी मटेरियल का। तो स्टडी मटेरियल में जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं स्टडी मटेरियल का, ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा यहाँ पे मैं जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ वो चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग और एज 2.1, इसके पहले इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आपकी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है और आपका स्टडी मटेरियल में थ्योरेटिकल सारी पॉइंट्स है जो कि मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। और सबसे पहला ये आपकी स्टडी मटेरियल में मैं कितनी क्वेश्चंस आपको दी हुई है वो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। मटेरियल इशूड मूविंग एवरेज ये सारी चीज़ आपको दी हुई है। अब देखिए आपके कितने स्टडी मटेरियल बेटा मैं जैसे जैसे आपकी क्लासेस कराऊंगा A to Z आप देखिएगा, आपकी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा आपके स्टडी मटेरियल का भी सारा क्वेश्चन हुआ रहेगा, प्रीवियस ईयर का भी सारी क्वेश्चन हो रहेगी, जो MTP RTP में जो क्वेश्चन हुआ रहेगा वो सारा हो जाएगा। और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी 100% जितने भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारी की सारी आपका देखा हुआ रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये EOQ पे बेस्ड है तो हम EOQ के कंसेप्ट सबसे पहले करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये भी आपको EOQ के बेस्ड है, हम जो आज कंसेप्ट कराएंगे ये सारी क्वेश्चन आपका उसी से हो जाएगा। ये भी आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है ये आपका ऑर्डर लेवल जो मैंने आपको सेकंड कंसेप्ट पर है उस कंसेप्ट पे है, ठीक है। तो टोटल हम आपके स्टडी मटेरियल में देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में है, कितने क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में है, चेक कर लीजिए आप।
आपके स्टडी मटेरियल में टोटल क्वेश्चन आपका 22 क्वेश्चन में आई थिंक। देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और ये क्वेश्चंस आपका कितनी है 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में है। और मेरी क्लास कंप्लीट होने के बाद सारी की सारी ये 20 क्वेश्चंस आपके माइंड में होगा और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप कंफर्टेबल होंगे करने के लिए और बेटा 100% आपका मार्क्स आएगा, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मटेरियल कॉस्ट हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, मटेरियल कॉस्ट हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है मटेरियल के बारे में। मटेरियल दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहा जाता है। बेटा देखिए कोई भी आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। और जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। जैसे देखिएगा ये एक पेन है, इस पेन में एक रिफिल यूज करते हैं, रिफिल आपका जितनी पेन बनाएंगे उतनी यूज होगा तो दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। इस पेन में एक बड़ी यूज होता है, जितनी पेन बनाएंगे उतनी बड़ी यूज होगा, दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना। हालांकि मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट में इसको बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है, ठीक है ना बेटा। इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कह देते हैं, जो हमारी मटेरियल तो है लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से आपको रिलेटेड है, दैट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। जैसे इस पेन बनाने में अगर कोई मशीन का यूटिलाइज करते हैं आप, वो आपका जैसे फेविकोल यूज करते हैं किसी मटेरियल के लिए, तो दैट इज अ इनडायरेक्ट मटेरियल, दैट इज अ नॉट अ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना बेटा। अब चलिएगा, अब आपको मटेरियल होता क्या है, तो ये एक कमोडिटी होता है, जो कमोडिटी यूज करते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना, दैट इज अ मटेरियल। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं मटेरियल आपको होता क्या है, मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, इट इज अ कमोडिटी, इट इज अ कमोडिटी विच इज यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग प्रोडक्ट, फॉर मेकिंग प्रोडक्ट, फॉर मेकिंग यूज बाई द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग प्रोडक्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, देर आर टू, देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल, एक तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इट इज अ मटेरियल कॉस्ट which is directly associated with the product, associated with product। जैसे पेन बनाने के लिए रिफिल यूज होता है, चेयर बनाने के लिए वुड यूज होता है, नेल यूज होता है,
शॉर्ट्स बनाने के लिए क्लॉथ यूज होता है, दीज आर द डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत अच्छे से सबको समझाया, इनडायरेक्ट मटेरियल। इट इज अ मटेरियल विच इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विच इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विच इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, इज सेड टू बी इनडायरेक्ट मटेरियल। अब देखिएगा, जैसे ये पेन बनाने के लिए कोई मशीन यूज होता है, अब मशीन में लुब्रिकेंट ऑयल यूज होता है, तो लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, चाहे ग्रीस हो गया, चाहे आपका कॉटन हो गया, जो सफाई करते हैं गंदा होता है, तो दीज आर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, जो ओवरहेड में और बहुत डिटेल में इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब आपका क्या कंसेप्ट आपका आ जाता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखाया था, यहाँ पे द कमोडिटी विच इज यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी मटेरियल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन है कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं फिर से मैंने आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये स्लाइड जब आप क्लास खत्म करेंगे तो ये स्लाइड आपके पास मिलेगा, और हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं आपको मैं कहता हूँ, मेरा नंबर है, आपको व्हाट्सअप नंबर है 9312606737। आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, मैं आपके सारी की सारी डाउट्स क्लियर करूंगा। और एक दूसरा भी नंबर है 8920730907, ये मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, और आप अपनी सारी डाउट्स मुझसे क्लियर करा सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब क्या होता है, व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट परचेज कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट में क्या होता है, आपको तीन टाइप से कॉस्ट लगता है मटेरियल में। मटेरियल कॉस्ट आपका कैसे कैसे लगता है, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में आपका तीन टाइप की कॉस्ट लगता है। एक तो मटेरियल को बाई करते हैं तो मटेरियल परचेज कॉस्ट होता है, परचेज कॉस्ट। दूसरा, मटेरियल आप परचेज करके लाते हैं तो जितनी बार आप परचेज करेंगे उतनी बार कॉस्ट लगेगा, तो उसको कॉस्ट कहते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और फिर मटेरियल को जब स्टॉक करते हैं तो स्टॉक करने में भी जो कॉस्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है, दैट इज सेड टू बी कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट क्या होता है बेटा, व्हाट इज द परचेज कॉस्ट, व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मटेरियल को जब परचेज करते हैं, मान लो कि 10,000 आपने केजी मटेरियल परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, तो आपका परचेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, 10,000 × ₹20, तो 2,00,000 रुपीज हो जाएगा आपका मटेरियल का परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, इसको प्लीज आप बहुत अच्छे समझिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जब आप मटेरियल को ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे आप टेलीफोन से प्लेस करें, चाहे आप मेल से प्लेस करें, चाहे आप जिस भी आपकी जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप ऑर्डर प्लेस करें, तो सप्लायर आपको मटेरियल अपने कार्टेज पर रख के, अपने स्टोर से रख के, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में लेकर आएगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी में अनलोड करेगा, फिर लोड करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी वहां से चलेगा अपनी उस सप्लायर के प्लेस से, फिर वहां आप इंश्योरेंस कराओगे अगर कोई मटेरियल का, तो इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होगी या आपका कोई टैक्सेस लगता है, वो टैक्सेस लगता है, हैंडलिंग कॉस्ट होता है, फिर लोडिंग अनलोडिंग आपके प्लेस पे होता है, तो ये सारे कॉस्ट को हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं,
तीसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट? मटेरियल को जब आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे, उस मटेरियल को स्टॉक करोगे। जो स्टॉक करोगे तो आपका एक वेयर हाउस होगा जिसमें मटेरियल को आप क्या करोगे, स्टॉक करोगे, वेयर हाउस होगा। तो वेयर हाउस का जो रेंट होता है, ये जो रेंट होता है इसको क्या कहेंगे हम, एक कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। दूसरा, हीट एंड लाइट ऑफ द वेयर हाउस। हीट एंड लाइट ऑफ द वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब जहाँ पे मटेरियल रखते हैं, लाइक ए स्टोर। तो स्टोर का रेंट, हीट एंड लाइट ऑफ द स्टोर, स्टोर मैन का सैलरी हो गया, स्टोर मैन का आपके पास सैलरी हो गया, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी आता है, इसमें आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी आता है। अब फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, इसको पहले सब समझिए। आप माइंड सेटअप किए हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप 10,000 केजी मटेरियल, आप कुछ भी हो जाए, आप हमेशा कुछ ना कुछ मटेरियल आप होल्ड करके रखेंगे, स्टॉक बना के रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों मटेरियल स्टॉक बना के रखते हैं, क्या लॉजिक है मटेरियल स्टॉक बनाने में? तो मेन लॉजिक क्या होता है कि आप अगर मटेरियल स्टॉक बनाएंगे, आप यदि मटेरियल स्टॉक बनाएंगे तो उसका होगा क्या कि आपका प्रॉपर प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहेगा। सप्लायर से अगर मटेरियल आने में कुछ देरी हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फिर भी आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस आपका नहीं रुक सकता। अब मान लिया जाए 1 केजी मटेरियल को होल्ड करने में, 1 केजी मटेरियल आप पूरी साल आप होल्ड करते हैं और 1 केजी मटेरियल का आप 100 रुपये की रेट से आप परचेज करके आते हैं और बैंक से आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पे आपने लोन लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपका पर केजी कितना होगा? इंटरेस्ट पर कॉस्ट पर केजी आपका 100 रुपीज़ का मटेरियल है, 12% पे इंटरेस्ट रेट है 12, तो ये भी आपको मटेरियल होल्ड करने के कारण कॉस्ट हुआ, ठीक है ना। तो आपका कैरिंग कॉस्ट में हम हमेशा किस से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ईच एंड एवरी मोमेंट में ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, मैंने एक यूनिट को एक साल तक अगर होल्ड करके रखते हैं तो कितना कॉस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है। तो मटेरियल कॉस्ट में आपका 3 टाइप का कॉस्ट लगता है बेटा, क्या क्या, एक तो परचेज कॉस्ट होता है, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, तीसरा कैरिंग कॉस्ट होता है। परचेज कॉस्ट किसे कहते हैं बेटा, प्लीज आप बताइए, जो मटेरियल को परचेज करने में कॉस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, परचेज कॉस्ट होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, आप मान लीजिए दिल्ली में प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और कलकत्ता से आपके रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है कलकत्ता से, तो उसमें होगा क्या कि कलकत्ता आपने ऑर्डर प्लेस किया मटेरियल परचेज के लिए, अब कलकत्ता का सप्लायर क्या करेगा, वो आपको अपनी कार्टेज में लोड करके ट्रांसपोर्ट में भेजेगा, ट्रांसपोर्ट में अनलोड करेगा, फिर आपको फिर लोड करेगा ट्रांसपोर्ट में, फिर उसको अच्छा से हैंडल करके लाएगा, इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होगी, जो टैक्सेस लगेगा अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास करता है तो ट्रांसपोर्ट का आपका खर्च हो गया, फिर लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग, ये जितने भी कॉस्ट होता है, जितने बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते, ओ, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, मैंने एक बार आपने ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितना खर्च लगेगा, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब आप मटेरियल यदि होल्ड करके आप रखते हैं, मटेरियल यदि होल्ड करके रखते हैं तो आपकी क्या कॉस्ट लगेगा, तो इसको हम क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को एक साल तक होल्ड करते हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा वह बताता है, ठीक है बेटा। तो तीनों के बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं,
और ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन केस आप कॉपी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आप समझना चाहते हैं, तो इसको फोटो कॉपी करा लीजिएगा, आपके नोट्स आपके पास पड़ा हुआ रहेगा और आप समझ, आपको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप नोट से समझ के जो मैं क्लासेस लूँगा उस पर आपको पढ़ते रहेंगे, तो आपको क्या होगा, कॉपी करने की आवश्यकता, कॉपी करने में जो टाइम बर्बाद होगा वो नहीं, सिर्फ समझने में आपको टाइम लगेगा। ये आपको मैं आपके पास मैं सप्लाई कर दूंगा बेटा। ये तो व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, 3 कॉस्ट लगता है। अब हमें स्टडी करनी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, जो तीनों इसके बारे में बताया मैंने। आपकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये तीनों कॉस्ट को कम करना, ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट, और इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होती है वो कहाँ से हम स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से स्टडी करते हैं। तो आज मैं न्यू कंसेप्ट में शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए जो आप स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। तो ना व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो मैंने आपको समझाया था पहले, इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, जब आपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, टू द स्टेज ऑफ फाइनल रॉ मटेरियल कम टू द योर स्टोर, यानी जब से आपने मटेरियल परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया और जब तक मटेरियल आपके स्टोर तक नहीं आ जाता है, जितने भी खर्चे लगता है उससे रिलेटेड, वो सारे को सारे क्या कौन सी कॉस्ट कहा जाता है बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहा जाता है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या कहा जाता है, प्लेसिंग ऑर्डर में जो कॉस्ट होता है वो कार्टेज का कॉस्ट होता है वह, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट होता है वह, लोडिंग अनलोडिंग का कॉस्ट होता है वह, हैंडलिंग कॉस्ट जो होता है वह, इंश्योरेंस का कॉस्ट होता है, अगर कोई टैक्सेस है तो ये सारे, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज टेकन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मैंने आपको समझाता हूँ, मान लिया जाए एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, अगर सपोज कीजिए 1 लाख 10 लाख यूनिट्स है या केजी, ऑर्डर प्लेस आपने 50,000 केजी एक बार आप परचेज करते हैं, एक एक बार में आप 50,000 केजी परचेज करते हैं, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर 10 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, ये 20 ऑर्डर होगा। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये रुपीज सपोज कीजिए 100 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 100 रुपीज खर्च होता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये रुपीज 100, 20 ऑर्डर एक साल में आप मंगाते हैं, 20 टाइम्स मंगाते हैं, तो रुपीज 2,000 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, रुपीज 2,000 आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। बताइए क्लियर, समझ आया कि नहीं आया बेटा, एकदम अच्छे से। आप पूरी साल में कितनी रॉ मटेरियल यूज करते हो बेटा, पूरी साल में आप 10 लाख रॉ मटेरियल यूज करते हो, एक बार जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो कितनी रॉ मटेरियल परचेज करते हो, 50,000 केजी रॉ मटेरियल आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितनी बार आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा मटेरियल परचेज करने के लिए बेटा, तो 20 ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा, 20 ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपका कितना होगा, एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मटेरियल को लाने में आपका खर्च होता है 100, तो पूरी साल में आपका कितना खर्च होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट उसे कहते हैं 100 रुपीज, एक बार में आप 20 बार मटेरियल परचेज करते हैं तो 200 आपका 2,000 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। बताइए क्लियर समझ आया कि नहीं आया बेटा, आप लोग एकदम अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना। अब दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट को समझिए, मान लिया जाए यहां पे आप
को स्टोर का रेंट हो गया, ठीक है। अब स्टोर का रेंट हो गया, स्टोरमैन सैलरी हो गया, सैलरी हो गया, स्टोरमैन की सैलरी हो गई, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट हो गया, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हो गया, ये सारे मिलाकर जो खर्च होता है उसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट में होता क्या है कि एक केजी को वन ईयर तक होल्ड करने में, रखने में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कहते हैं सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड ड्यूरिंग होल्डिंग द रॉ मटेरियल स्टोर्स एट स्टोर से टू बी कैरिंग कॉस्ट। इसमें क्या क्या कॉस्ट आ सकता है, दिस कॉस्ट आर, क्या क्या कॉस्ट हो सकता है प्लीज आप देखो बेटा, इस कॉस्ट में देखो आपको क्या क्या कॉस्ट हो सकता है, स्टोर का रेंट हो सकता है, स्टोरमैन सैलरी हो सकता है, हीट एंड लाइट हो सकता है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, द कैरिंग कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को एक साल तक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, अब टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना होगा। अब सुनिएगा आप यो क्यू, जैसे आपने बोला कि हम हमारे पास और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैंने आप परचेज कितना करेंगे, परचेज करेंगे बेटा 50,000 केजी आप परचेज करने जा रहे हैं। तो सुनिए होता क्या है कि एक्चुअली आपको प्लीज इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट में आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट में आप ऑर्डर प्लेस करते हैं कि भाई मेरे पास मटेरियल आप सेंड कर दो, तो मान लीजिए 20,000 जब मटेरियल आपके पास होगा तो आपने ऑर्डर प्लेस किया कि मेरी मटेरियल सप्लाई कर दो, आपका माइंड में ये है कि जब तक 50,000 केजी नहीं आ जाता तब तक ये 20,000 हमारा चलता रहेगा, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अब सोचना ये पहले दिन कुछ मटेरियल की खपत हुई, दूसरे दिन कुछ मटेरियल की खपत हुई, तीसरे दिन कुछ मटेरियल की खपत हुई, चौथे दिन कुछ मटेरियल की खपत हुई, पांचवें दिन कुछ मटेरियल खपत हुई, भाई छठे दिन में आपका मटेरियल आ गया, ठीक है। अब छठे दिन आते ही आपके पास मटेरियल पूरा आपकी स्टोर में फुल हो जाएगा, तो भाई कैरिंग कॉस्ट हम कितना यूनिट मटेरियल ईच एंड एवरी प्लेस पे हमेशा कितना यूनिट मटेरियल आपके स्टोर में रहता है, तो हम समझते हैं जनरल आपका आता है कि एवरेज इन्वेंट्री होता है, इसको कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री। तो हम ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू, ये आपका मटेरियल जो होता है ईच एंड एवरी आपके प्लेस पे होता है, जैसे हम समझते हैं ये माइंड में रखते हैं। या एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, सेफ्टी अगर स्टॉक दिया है क्वेश्चन में तो हम लिखते हैं सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज, जितनी मटेरियल हमने ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू ना इस पे होगा ना इन पे होगा, जो एवरेज है उस पे निकाल। एक्चुअली होता क्या है, मान लो कि आपका एक्सट्रीम लिमिट ये है, ये एकदम लोअर लिमिट है, तो कभी मटेरियल यहाँ हो जाता है, कभी मटेरियल यहाँ हो जाता है, फिर मटेरियल कभी यहाँ हो जाता है, फुल हो जाता है मटेरियल आने के बाद, फिर मटेरियल घटते घटते यहाँ हो जाता है, फिर मटेरियल आपका यहाँ हो जाता है, फिर मटेरियल यहाँ हो जाता है, तो हम माइंड में रखते हैं कि एवरेज में हमारा ईच एंड एवरी मोमेंट में हमारे पास मटेरियल रहता है। तो कैरिंग कॉस्ट इज टोटल कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पे टोटल कैरिंग कॉस्ट
पर एनम निकालना हो तो हम कैसे करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है। अब कुछ लॉजिक आता है कि भाई हम ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है ऐसे करने की, क्या लॉजिक है बेटा क्यों करते हैं हम। तो भाई ऐसे करने की लॉजिक ये है कि हम ये एजम्पशन लेते हैं कि ईच एंड एवरी मोमेंट में इतनी मटेरियल हम होल्ड करते हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट में इतना मटेरियल होल्ड करते हैं, क्योंकि एवरेज मटेरियल तो हमेशा होगा, ना एक्सट्रीम लोगे ना लोअर लोगे, एवरेज तो हमेशा होगा। और एक यूनिट को होल्ड करने में कितना खर्च होता है, ये होता है। तो इसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब आपको यहां पे मैं समझाना चाहता हूं, यहां पे कैरिंग कॉस्ट, ये आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टू एवरेज इन्वेंट्री, जनरली एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज दिस, अगर सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन है तो ये भी होता है, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, इसको समझने वाली बात ये है, यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भाई ये जो है यह बतलाता है कि कितनी आप ऑर्डर प्लेस करोगे। रॉ मटेरियल आपको परचेज करनी है, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करने में मान लो कि आपको 50,000 रॉ मटेरियल एक साल में आपको परचेज करनी है, क्या आपको 5,000 हर एक बार परचेज करना चाहिए, 10,000 हर एक बार परचेज करना चाहिए, या आपको 16,667 परचेज करना चाहिए। भाई कितना परचेज करेंगे, आपको यहाँ पे 10 ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे 5 ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऑर्डर हो जाएगा, भाई कितनी ऑर्डर प्लेस, कितनी क्वांटिटी में आप ऑर्डर प्लेस करोगे ताकि आपका दो कॉस्ट, एक तो होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट साल का और एक क्या होता है कैरिंग कॉस्ट साल का, ये दोनों को ऐड किया जाए, दोनों को ऐड किया जाए तो सबसे कम हो, मिनिमम हो, लोएस्ट हो किसी दूसरे ऑर्डर के कंपेयर में, तो ये जो जिस पे सबसे कम होगा उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करोगे, क्या है बेटा कितनी क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करोगे ताकि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट आपका लोएस्ट हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट आपका क्या हो जाए बेटा लोएस्ट हो जाता है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज जस्ट सेड टू बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईओ क्यू रूट अंडर 2AO/C से ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे वही आपको स्टडी करनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईओ क्यू मिनिमाइजिंग द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, इट इज ऑर्डर साइज मैंने कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल एट विच द सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज लोअर देन एनी अदर ऑर्डर साइज ऑफ रॉ मटेरियल, एनी अदर ऑर्डर साइज ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज गिवन बाई ईओ क्यू इक्वल टू रूट अंडर 2AO/C। यहां पे एनुअल ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आपको बेटा एक कॉपी नहीं करनी, अभी क्लास करते समय ये स्लाइड आपको मैं भेज दूंगा और आपके पास होगा ये स्लाइड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे 9312606737 पे फोन करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8920730907 पे कॉल करें, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, तो आपको सारी की सारी डाउट्स क्लियर करूँगा, आपको कॉपी करने का आवश्यकता नहीं। फिर प्लीज सिर्फ समझिए,
अब सुनिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में मैंने एक एजम्पशन लिया कि मान लो कि हमने 20,000 केजी रॉ मटेरियल, हमने माना कि 20,000 साल में मटेरियल हमारी कंजम्पशन होती है। ऑर्डर एक बार ऑर्डर करते हैं तो रुपीज 1875 खर्च होता है, और कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट को एक साल तक होल्ड करते हैं तो आपका 3 रुपया खर्च होता है। मैंने पूरी साल में आपकी मटेरियल कितना लगता है 20,000, एक यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट को एक साल तक होल्ड करते हैं तो कितना खर्च लगता है एक यूनिट को एक साल तक। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितना खर्च होता है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट को एक साल तक होल्ड करते हैं तो कितना खर्च लगता है। अब सुनिएगा, यहां पे मैंने आपसे कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां पे मैंने कहा कैरिंग कॉस्ट। देखिएगा हमने ये क्यों कहा, उसकी लॉजिक समझिए। ऑर्डर साइड हमने 1000 ऑर्डर प्लेस करेंगे एक एक बार, भाई 20,000 चाहिए, हम 1,000 परचेज कर रहे हैं, कितनी बार आप ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा 20 बार, तो 20 बार आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 बार। हमने यहां पे 2,000 ऑर्डर प्लेस किया तो भाई 20,000 साल में चाहिए, हमने 2,000 ऑर्डर प्लेस किया तो कितना लगेगा 10। हमने यहां पे 4,000 ऑर्डर प्लेस किया, 20,000 साल में चाहिए, आपने 4,000 यूनिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो 5। सर 20,000 आपको चाहिए, आपने 5,000 यूनिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो कितना लगेगा इसमें, कितनी ऑर्डर लगेगा इसमें भाई, ये 4 टाइम्स ऑर्डर लगेगा भाई। 10-20,000 चाहिए, आपने यहाँ पे 10,000 मंगा रहे हैं, या 20,000 आपको चाहिए, 20,000 एक ही बार परचेज कर रहे हैं, 20,000 एक ही बार, तो एक ऑर्डर यहाँ पे 2 ऑर्डर, तो भाई यहाँ पे 20 बार आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, यहाँ पे एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे लोएस्ट होगा, और यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 बार मंगाएंगे तो सबसे हाईएस्ट होगा, तो ये ऊपर वाली ग्राफ हो जाएगी, ये लोअर वाली क्लास हो जाएगी। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद कैरिंग कॉस्ट आता है। अब सुनिएगा, अगर आप 1000 मंगाएंगे तो आपको हमेशा आपके स्टॉक में कितना रहेगा इसकी आधी 500, यहाँ पे 2000 मंगाएंगे तो हमेशा आपके स्टॉक में कितना रहेगा इसकी आधी 1000, आप 4000 अगर परचेज करेंगे तो हमेशा इसकी हाफ, तो कितना रहेगा ये 2000, यहाँ पे 20,000 अगर मंगाएंगे तो हमेशा आपके स्टॉक में कितना रहेगा इसकी आधी 10,000। इसका मतलब यहाँ पे आपकी 10,000 आपके पास मटेरियल रहेगा, यहाँ पे आपके पास 500 मटेरियल ऑर्डर रहेगा, तो किस पे कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, इस पे कैरिंग ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए ये हाई है और यहाँ पे क्या आएगा लो हो जाएगा। और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट की ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ये, वो लोएस्ट यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा और ये लोएस्ट कॉस्ट होगा, ये लोएस्ट कॉस्ट होगा, लोएस्ट कॉस्ट होगा। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, दोनों आपका इक्वल होता है, योग्य पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है। तो माइंड में आपको सेट करनी है कि अगर ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ होता है इसका, और एक ऐसे ग्राफ होता है, ये आपका ईओक्यू क्वांटिटी हो गया, ईओक्यू क्वांटिटी हो गया, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, और ये आपको कैरिंग कॉस्ट होता है, और यहाँ पे ये जो कॉस्ट का, ये कॉस्ट की ग्राफ होती है, ये क्वांटिटी होता है, तो ये जो पॉइंट होता है इस पे दोनों आपका इक्वल होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ये ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट निकाला जाता है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं, इसकी फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, इसकी फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए एनुअल कंजम्पशन आपका 20,000 यूनिट्स है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो
तो मटेरियल को मंगाने में 1875 है, कैरिंग कॉस्ट ₹3 पर यूनिट पर एनम है, तो ईओक्यू आपका कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2AO/C दैट इक्वल टू रूट अंडर 2, ए के प्लेस पे 20,000 हो जाएगा, ओ के प्लेस पे 1875 हो जाएगा और सी के प्लेस पे 3, तो ये आपकी 5000 ऑर्डर होगा ईओक्यू। तो 5000 ईओक्यू का मतलब क्या होता है, तो 5000 ईओक्यू का मतलब होता है कि चाहे ऑर्डर आप 4000 दीजिए, चाहे ऑर्डर 6667 दीजिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इस पर हाई होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इस पर हाई होगा, लोवेस्ट होगा इस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट सबसे लोवेस्ट इस पर होगा। ईओक्यू का मतलब होता है, ईओक्यू का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी, एक ऐसी परचेज ऑर्डर जिस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होता है, चाहे इससे कम ऑर्डर प्लेस कीजिए चाहे इससे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कीजिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट को ऐड किया जाए तो उससे ज़्यादा आएगा। ईओक्यू का मतलब यह होता है, ठीक है ना बेटा। व्हाट इज द ईओक्यू, दिस इज द ईओक्यू, इज इट क्लियर बेटा, दिस इज द ईओक्यू। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, ये समझ आ गया आप लोग को, उसको मैं लिखवाया जो मैं पढ़ा देता हूँ बेटा, जो मैंने बताया देखिएगा, एजम्पशन ऑफ ईओक्यू, लोअर देन एनी अदर ऑर्डर साइज, इसकी एजम्पशन क्या होता है बेटा, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कॉन्स्टेंट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर नॉट चेंज, ये हमेशा सेम होता है, कैरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री पे कैलकुलेट होता है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द पीरियड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज कॉन्स्टेंट, इट इज कैलकुलेटेड एंड दिस। ये अब आपको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब एनुअल, यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, जैसे हमने 20,000 हम 5,000 करके ऑर्डर करते हैं, कितना 4 नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, तो एनुअल कंजम्पशन ये होता है और ये जो ऑर्डर साइज होता है वो ईओक्यू होता है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू इनटू ओ, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब देखिए एवरेज इन्वेंट्री कितना होता है, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है जितनी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी आधी, ईओक्यू क्या है ऑर्डर साइज उसकी आधी, और कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट इतना हमेशा हमारे पास रहता है और सी से मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट इज द सी, सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मैंने एक यूनिट को एक साल तक रखते हैं तो कितना खर्च होता है, और एवरेज हम इतना रखते हैं तो टोटल कैरिंग कॉस्ट इतना हो जाएगा। तो एट ईओक्यू पे होता क्या है, एट ईओक्यू, ईओक्यू पे होता क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास क्या होता है बेटा, ईओक्यू, ये ओ, यहाँ पे ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओ सी सी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2AO/C दैट इक्वल टू ईओक्यू होल स्क्वायर, ईओक्यू इक्वल टू रूट अंडर 2AO/C, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, और इस फॉर्मूले से हम ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
अब उसकी प्रूफ है यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने उस एग्जांपल को आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिस एग्जांपल पे हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ए मीन्स एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट, कैलकुलेट यू क्यू। तो भाई यू क्यू का तो सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या निकालना होता है यू क्यू, रूट अंडर टू ए ओ अब्लिक सी। तो यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन आपका 20,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1875 है, कैरिंग कॉस्ट 3 है, तो ये 5,000 आ जाएगा, दैट इज द 5,000। दूसरा आपसे क्या पूछी गई है, इसमें दूसरी पूछी गई है आप डाटा को इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट द डाटा। तो इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है, 5,000 यू क्यू है तो इस पे ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग सबसे लोएस्ट होगा, और चाहे आप इससे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करें, चाहे इससे कम ऑर्डर प्लेस करें, चाहे 4,000 ऑर्डर प्लेस करें, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट भी हाई होगा, और चाहे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इससे हाई होगा, चाहे 6,667, चाहे कम ऑर्डर प्लेस करेंगे चाहे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करेंगे, दोनों पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंटरप्रिटेशन, यू क्यू 5,000 मीन्स इफ ऑर्डर साइज ऑफ रॉ मटेरियल इज 5,000 देन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज लोअर देन एनी अदर ऑर्डर साइज, चाहे कम ऑर्डर करें चाहे ज्यादा, दोनों को हमेशा इक्वल होता है। हमेशा याद रखनी है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट किस पे लगता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट किस पे लगता है, नंबर ऑफ ऑर्डर पे, नंबर ऑफ ऑर्डर पे। कैरिंग कॉस्ट किस पे लगता है, कैरिंग कॉस्ट किस पे, ऑर्डर पे, नंबर ऑफ ऑर्डर पे। कैरिंग कॉस्ट किस पे लगता है बेटा, कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट हमारे पास लगता है किस पे, कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री पे, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। अगर सेफ्टी स्टॉक दिया है तो यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, और कैरिंग कॉस्ट इंटू सी, और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर जितनी साल में चाहिए, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू, ईओक्यू का मतलब ऑर्डर साइज, जितना ऑर्डर करेंगे वो, इनटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिस। इसको मैं प्रूफ करूंगा आपसे नेक्स्ट में, प्रूफ द डिफिनेशन ऑफ ईओक्यू, जो बोल रहा है उसको प्रूफ करनी है। अब मैंने प्रूफ पे आया बेटा, तो मैंने आपको यहां पे 5,000 ईओक्यू ले लिया, ईओक्यू यहां पे मैंने लो लिया, यहां पे मैंने ज्यादा लिया, मैं यहां पे बना देता हूं, अब देखना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू 5,000 यूनिट्स एंड ऑर्डर साइज 4,000 एंड 6,667, एक ईओक्यू से कम, एक ईओक्यू से ज्यादा। अब यहां पे हम आपको इसको प्रूफ कर रहे हैं, देखिए यहां पे लिखेंगे ऑर्डर
साइज, यहाँ पे मैंने लिखा 4000, यहाँ पे लिखा 5000 यू क्यू, यहाँ पे लिखा 6667। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितनी है, नंबर ऑफ ऑर्डर। अब सुनना बेटा, हमने साल में 20,000 चाहिए, 4000 करके ऑर्डर करते हैं तो 5, साल में 20,000 चाहिए हम 5000 ऑर्डर करते हैं तो 4, साल में 20,000 चाहिए 6667 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 3, ये नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया। अब एवरेज इन्वेंट्री लिखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री देखिए, हम जितना ऑर्डर करते हैं उसकी आधी 4000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 2000, यहां पे हम 5000 जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी, तो यहां पे 2500 जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी 3334 मान। ये आपका दो चीजें हो गया ये, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर एक ऑर्डर पे 1875 था, सर एक ऑर्डर पे 1875, एक ऑर्डर पे 1875, एक बार यदि रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं तो हमारी खर्च कितनी होती है 1875। हम कितनी बार परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पे कितना खर्च हो जाएगा देखना बेटा आप, 1875 इंटू 5 9375 रुपीज 7500 रुपीज 5625। अब आपको कैरिंग कॉस्ट, एक यूनिट को होल्ड करते हैं तो 3 रुपया, एक यूनिट को होल्ड करते हैं तो 3 रुपया, एक यूनिट को एक साल तक होल्ड करते हैं तो 3 रुपया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। यहां पे अब सुनना बेटा, यहां अब हमने यहां पे एवरेज इन्वेंट्री का, एवरेज कितना यूनिट, 4000 अगर परचेज करते हैं तो एवरेज कितने यूनिट आपके पास हमेशा रहता है 2000, तो यहां पे 6000 आपका हो जाए। एवरेज यहां पे कितना रहता है 2500, तो रुपीज 7500 हो जाता है। एवरेज यहां पे कितना रहता है 3334, तो यहां पे 3300 इंटू 3 तो 10,002 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट आपका ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग, ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग यहाँ पे हो जाएगा 15,375, यहाँ पे 15,000 हो जाएगा और यहाँ पे 15,627। अब देखिए आपको मैं यही चीजें बताना चाहता था कि भाई साहब यो क्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट सबसे लोएस्ट होता है, चाहे आप कम ऑर्डर प्लेस करें ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, चाहे आप ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करें यो क्यू से ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो इस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट लोएस्ट होता है यो क्यू पे। यही चीज़ें हम बताना चाह रहे थे आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट लोएस्ट होता है यो क्यू पे। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट लोएस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए एक दूसरी पॉइंट, मैंने पहले भी बता चुका है यूक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम होगा, बस अब तक सिर्फ यूक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट एट यूक्यू पे हमेशा आपका सेम होगा, हमेशा क्या होगा बेटा सेम होगा यूक्यू पे, हमेशा सेम होगा,
जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमने आपको EOQ की कंसेप्ट को मटेरियल कॉस्टिंग में आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा बेटा। इन केस अगर कोई डाउट्स है या कुछ भी है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप मेरी क्लास कीजिए, 100% श्योर आपका नंबर आएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे कॉल करें, मुझे विश्वास है कि आपका बहुत अच्छा होगा। 8920730907, ठीक है ना बेटा, आप इस पे कॉल कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं आपसे।